देवघर में इन दिनों देव भाषा कही जाने वाली संस्कृत को बचाने की नई पहल की जा रही है और इसे बचाने वाले चाहते हैं कि संस्कृति और संस्कृत दोनों बची रहे। क्या है ये पहल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनेट के जमाने में यहाँ संस्कृत की कक्षा चल रही है। देवघर के कुछ युवाओं ने एकत्र होकर श्री बैद्यनाथ संस्कृत संस्थान नाम से एक संस्था की शुरुआत कर देव भाषा संस्कृत को बचाने के लिए नई पहल की है। ये चाहते हैं कि संस्कृति से हमारा नाता ना टूटे। संस्कृत को सर्वजन सुलभ बनाने के लिए और पुनः एक बार बोलचाल की भाषा में लाने के लिए हम विद्यार्थियों ने श्री बैद्यनाथ संस्कृत संस्थानम नाम की एक संस्कृत संस्था का निर्माण किया है, जिसमें हम स्वयं तो अध्ययन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने समकक्ष और अपने से छोटे बच्चों को भी संस्कृत का अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर इन युवाओं का प्रयास रंग भी ला रहा है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ ला रहे हैं और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी संस्कृत में रुझान बढ़ रहा है। संस्कृत के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देना चाहते हैं। यहाँ के मैंने देखा कि संस्कृत कोई कठिन विषय नहीं है, संस्कृत सिर्फ विषय ही नहीं है, ये हमारे जीवन को सही और संस्कारी बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योग भी। इस सफलता को देखते हुए अब इस संस्थान के संस्थापक इसे आगे बढ़ाने के सपने भी संजोने लगे हैं। अभी तक 40% तो जरूर सक्षम हो पाए हैं, 100% में से 60% अभी हमारी पहल और लगी होगी। आगे बाबा वैद्यनाथ की कृपा से हम लोगों के पास थोड़े आर्थिक संपत्ति और हो जाए तो शायद एक महाविद्यालय और उससे भी ज्यादा एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की हम सबों के मन में उत्कट इच्छा है। प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति में रची बसी इस भाषा को बचाने का काम सच में सराहनीय है, क्योंकि संस्कृत के बढ़ते प्रचलन से ही गौरवशाली इतिहास को सहेजने वाली अतुलनीय भाषा का अंत रोका जा सकता है। बी.एस. वाजपेयी, सहारा समय, देवघर।